तस्वीरों में दिखाई दे रहा यह नजारा बल्लभगढ़ के बस स्टैंड के सामने का है, जहां पर अवैध तरीके से चलाई जा रही बसों पर कार्रवाई करते हुए आरटीओ विभाग में उनके मोटे मोटे चालान किए गए। दरअसल आपको बता दें, काफी लंबे समय से अवैध बसों को लेकर आरटीओ विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है, बावजूद इसके बस चालक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। हालांकि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी अवैध बसों को लेकर सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए हुए हैं। आदेशों की पालना करते हुए आरटीओ विभाग में आज भी फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से 5 अवैध बसों की मोटे मोटे चालान किए गए। वहीं आरटीओ विभाग के इंस्पेक्टर ने बताया कि समय समय पर हम पूरे फरीदाबाद में अवैध बसों और ओवरलोडेड वाहनों पर कार्रवाई करते रहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आज आरटीओ विभाग सख्त नजर आ रहा है और लगातार 4 बसों के चालान काटे गए हैं, किस तरीके से? जो भी गाड़ियां यहां से या फरीदाबाद मेरी ज्यूरिडिक्शन के अंदर से बगैर परमिशन के, बगैर किसी अथॉरिटी के अगर सवारियों को लेकर जा रहे हैं, तो वो इलीगल काम कर रहे हैं और ऐसी गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और उनको जो भी गाड़ी सामने आती है या फिर अपने सोर्सेज से पता चलता है उनका चालान करते हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से अवैध जो बसें कहीं ना कहीं वो चल रही हैं, तो उसको लेकर कितना समय समय पर क्या अभियान चला जाता है, रेगुलर कितना जो है चालान रेगुलर किया जाता है, लेकिन क्योंकि एक ही जगह पर रह करके नहीं कर सकते, बाकी दूसरी गाड़ियों के भी या दूसरे जो जो ओवरलोड व्हीकल हैं उनके भी चालान करने होते हैं। तो इसलिए जब भी ये लगता है कि हाँ यहाँ पर आज गाड़ियाँ खड़ी हैं, उसके हिसाब से हम चालान करते हैं। आज कितने को चालान किया और कितने के अमाउंट के जो चालान आज हो चुके हैं? आज 5 गाड़ियों का चालान हम कर चुके हैं, 5 बसेस का, और शायद 1.5-2 लाख के आसपास का चालान किया। समय समय पर ये अभियान चलता रहेगा लगातार रहेगा। थैंक यू।